मुद्दा सियासत का, मुद्दा पटौदी का। नमस्कार, आप देख रहे हैं नव समाचार, मैं हूं रमाकांत उपाध्याय। आज हम पटौदी शहर में पहुंचे हैं। पटौदी की नई जो अनाज मंडी है हिला मंडी के अंदर हम वहां पहुंचे हैं। हमारे बीच तमाम इस क्षेत्र की आवाज़ को उठाने वाले लोग, या ये कहें कि तमाम राजनीतिक पार्टियों के लोग आज हमारे बीच में पहुंचे हैं। हम उनसे इस क्षेत्र की आवाज़ को सरकार तक कैसे पहुंचाएंगे वो बात रखेंगे कि कहीं ना कहीं गुरुग्राम जिले के अंदर 4 विधानसभा हैं, उसमें एक पटौदी विधानसभा है। पटौदी विधानसभा के वर्तमान में विधायक सत्यप्रकाश जरावता हैं। उनका हमेशा कहना होता है कि 4 विधानसभाओं में अगर काम हो रहा है तो वो एक पटौदी विधानसभा है जिसमें सबसे ज़्यादा कार्य हो रहे हैं। हमारे बीच में मैं सबसे पहले आपका परिचय करवा दूंगा कि हमारे बीच में पहुंचे हैं यहाँ पर कांग्रेस पार्टी से वरिष्ठ नेता सुधीर चौधरी जी हमारे बीच में मौजूद हैं। साथ में हमारे आम आदमी पार्टी से वरिष्ठ कार्यकर्ता मुकेश चौधरी जी मौजूद हैं। हमारे बीच में सुनीता जी मौजूद हैं जो कि हमेशा आवाज़ उठाती रहती हैं जनता के प्रति। और हमारे बीच में सुकीत तंवर जी हैं जो आप आए दिन इनको टीवी पर देखा करते होंगे, कुछ ना कुछ विषय को लेकर सरकार के कान खींचने का कार्य करते रहते हैं सुखवीर जी। हमारे साथ सुबे सिंह जी भी हैं। सुबे सिंह ये भी यहाँ पर आम जनता की बात हमेशा उठाते रहते हैं। और अभी देखा जाए तो ऐसा है कि इनका भी चुनाव लड़ने का एक मन है, तो यहाँ जितने भी लोग हैं वो काफ़ी लंबे वक्त से जनता के बीच में आते हैं और अपनी बातों को रखते हैं, और जिससे कि आगामी चुनाव 2024 में लोकसभा और विधानसभा है, जब विधानसभा पटौदी का चुनाव होगा उसमें ये लोग अपनी इनको टिकट मिलती है तो लड़ेंगे। कई लोग ऐसे होंगे वो निर्दलीय भी चुनाव लड़ेंगे, समय बकाया है। परंतु आज हम मुद्दे की बात करते हैं क्योंकि जब पटौदी की चर्चा होती है तो यहाँ की जो सियासत है वो बहुत पुरानी, ऐतिहासिक है, लोग बाग जानते हैं बहुत अच्छे से। तो ये एक अड्डा सियासत का है, लोग बाग यहाँ पर राजनीति करते हैं, जाके जो क्षेत्रीय यहाँ के जो सांसद हैं राव इंद्रजीत, तो कहा जाता है कि यदि वो यहाँ किसी को भी भारतीय जनता पार्टी से टिकट दिलवाते हैं वो जीत जाता है। परंतु इस बार ऐसा नहीं हुआ, सत्यप्रकाश जरावता दूसरे खेमे से आए और वो जीते। तमाम इन्हीं बातों को लेकर आज हम लोगों के बीच में सियासत के अड्डे पर आज हम जनता की बात करेंगे, पटौदी की बात करेंगे, पटौदी के मुद्दों की बात करेंगे। तो हम शुरुआत करते हैं, हमारे बीच में सुखवीर तंवर मौजूद हैं। सुखवीर जी कैसे देख रहे हैं कि आज आप बात करते रहते हैं, सियासत की बात जब होती है तो पटौदी का नाम आता है? देखिए, जिस प्रकार से हरियाणा जब से आज़ाद हुआ और 1967 में पहली बारी पटौदी विधानसभा से जो विधायक थे राव बीरेंद्र सिंह जी, वो हरियाणा प्रदेश के द्वितीय मुख्यमंत्री बने, वो तो चलो एक अलग विषय है। उसके बाद जितने भी मुख्यमंत्री बने, चाहे वो भिवानी जिले की बात हो, चाहे हिसार जिले की बात हो, चाहे सरसा जिले की बात हो, और चाहे साथ लगते रोहतक की बात हो, जिस प्रकार का विकास कार्य उन जिलों में हुआ और आज जिस प्रकार से पटौदी या गुड़गावा शहर को अगर छोड़ दें, गुड़गावा शहर में किसी राजनीतिक दल विशेष का कोई बहुत ज़्यादा महत्व नहीं है, चूँकि वो गुड़गावा दिल्ली के नज़दीक था इसलिए वहाँ विकास, जैसे बहादुरगढ़ में भी विकास हुआ, नोएडा में हुआ, गाजियाबाद में हुआ, सोनीपत में हुआ, गुड़गांव में थोड़ा ज़्यादा हुआ, लेकिन गुड़गांवा साइबर सिटी है, मिलेनियम सिटी है, इसके बावजूद पटौदी के क्या हाल हैं वो छिपे हुए नहीं हैं। आज विगत के 20 वर्षों से सड़कों के हाल आप देख लें, बार बार हमने आवाज़ उठाई, कोई उसको सुनने वाला नहीं है, चाहे विगत की कांग्रेस की चाहे सरकार थी, और चाहे अब 10 वर्ष से पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार और गठबंधन भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी की। विधायक सत्यप्रकाश जरावता का कहना है कि यहाँ पर सबसे अच्छे कार्य हो रहे हैं। देखिए, विधायक सत्यप्रकाश जरावता जी को तो आने वाले समय में पटौदी क्षेत्र की जनता जवाब देगी कि अच्छे हो रहे हैं कि बुरे हो रहे हैं। मैं तो आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, अगर आपने उनको निमंत्रण दिया था तो उनको आज यहाँ होना चाहिए था, यहाँ जनता जनार्दन भी निर्णय कर लेती और हम भी उनके कार्यों का, जिस प्रकार से वो झूठी सेखी बघारते रहते हैं सिवाय समाचार पत्रों में बात कहने के, कोई धरातल पर कार्य नहीं है। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण देख लो आप, मंडी के क्या हाल है, धरातल पर कार्य देख लें। सत्यप्रकाश जरावता का कोई ऐसा कार्य नहीं है, जो कि सुखवीर तंवर का आरोप है कि यहाँ पर जनता जनार्दन ही वोट करेगी 2024 में, तो बताएगी कि सत्यप्रकाश जरावता ने कितने कार्य किए हैं। हमारे बीच में सुधीर चौधरी जी मौजूद हैं, किसानों का
किसानों का विषय है सुधीर जी, तो कैसे दिख रहा है किसानों का विषय है? आज किसान अनाज मंडी में बाजरे के लिए अपनी बिक्री के लिए बहुत परेशान है। सबसे पहले तो आपका धन्यवाद कि आपने अड्डा सियासत का मुद्दा पटौदी का आवाज़ उठाने की कोशिश करी, और क्योंकि जो आप आवाज़ उठाएंगे तो हरियाणा सरकार तक ये जाएगी। और आप सामने देख भी रहे हो कि 22-23 तारीख से किसान बहुत परेशान है। जो खरीद है, जो उठान होना चाहिए, हैफर्ड जो भारत सरकार के अंतर्गत आता है, हैफर्ड्स का जो परचेजर है वो अभी तक नहीं आया है। किसान सुबह से है, सुबह से क्या 5-5 रात यहाँ बैठे हुए हैं, और यहाँ खरीद एक दिन होती है, फिर 3-4 दिन बाद फिर गैप आ जाता है। अगर ये रेगुलर खरीद हो तो ये जो आप देख रहे हैं, इतनी जनता परेशान है, किसान परेशान है, हमारा अन्नदाता परेशान है, जो बेचारा पैसे दे के, पैसे का इंतजाम करके, कहीं से कर्जा लेके अपनी फसल को उगाता है, और यहाँ जो उसकी दुर्गति हो रही है, इससे शर्मनाक बात नहीं हो सकती। और एक तरफ सरकार जहाँ कहती है कि 72 घंटे में हम पैसा देंगे, जैसे 25-26 को छोटी सी परचेज इन्होंने करी, उसका पैसा भी आज तक नहीं है। मतलब दोनों तरफ से मारा जा रहा है किसान को। पहली बात तो उठान नहीं हो रहा, और जो बेचारा जद्दोजहद करके छोटी मोटी उठान कर ली, उसके पैसे नहीं आए। और बाजरा देखो, ये भी कितने दुर्भाग्य की बात, बीज भी सरकार देगी, बाजरा ये बोएंगे, मेहनत करेगा किसान, बाजरा जब लेकर जब आड़त पर आता है या अनाज मंडी पे आता है तो ये कहकर रिजेक्ट करा जा रहा है कि ये काले रंग का है, ये नीले रंग का है, ये सफ़ेद रंग का है, ये फेड हो गया। भैया, इसकी जिम्मेवारी तो बीज की है, और बीज भी कौन दे रहा है? हरियाणा सरकार दे रही है। तो इससे शर्मनाक बात क्या होगी? ये जो काले कानून जो हमारे थे, और जो हमारे 750 किसानों ने जो जान दी, और उसके बाद इन्होंने मोदी जी ने जो वापस लिए, वो मानसिक रूप से वापस नहीं लिए, पेपर में और दबाव में तो ले लिए, पर आज किसान को इसलिए परेशान करा जा रहा है कि ये स्लो प्रोसेस कर देते हैं, और इंटेंशन ये है कि ये ना लें, ये भटकें और प्राइवेट एजेंसी को दे दें, और प्राइवेट एजेंसी इनसे अपने वेयर हाउस में बाजरा रखेगी, और मोटी कमाई वो पास ऑन करेगी, जो हमारे लीडर भी ये बार बार हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी ने कहा है कि अदानी और अडानी को सरकार है, तो उनको बेनिफिट देने के लिए ये एक छोटी सी कड़ी जो है हमारी पटौदी में आपको देखने को मिलती है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि आज भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं, परंतु जब भारतीय जनता पार्टी से सवाल किया जाता है तो उनका कहना होता है कि ये सब बीज बोया हुआ है वो कांग्रेस पार्टी का है। चलो माना, ये कब तक कहते रहोगे? 9 साल हो गए इनकी सरकार को। अगर बीज बोया तो कांग्रेस ही घर बैठे, इन्हीं जनता ने हमें घर बैठाने का काम करा, कब तक कहोगे भैया? जब आप चंद्रयान 3 पर जा सकते हैं, जो वैज्ञानिक गए, वैज्ञानिकों का श्रेय आप ले लेते हो, जो काम आप नहीं करते, मुंह में राम बगल में छुरी वाली बात है ना। आपने नई पार्लियामेंट बना दी जिसकी कोई जरूरत नहीं थी। दादा, किसान को लेके कैसे दिख रहे हैं? सुधीर चौधरी जी का आरोप है कि आज होगा तो बीज तो सरकार ही देती है, जब बाजरा जमींदार तो उस बाजरे को काला करता नहीं है। 7 दिन पहले गुरुराम आयुक्त भी यहाँ पहुंचे, तो क्या बात हुई? उस टाइम मैं नहीं था, मुझे नहीं पता उस टाइम। ठीक है, तो यहाँ पर इनका कहना है कि जिस प्रकार से आज किसानों के साथ में जो जाति हो रही है कि अनाज को खरीदा नहीं जा रहा, तो कहीं ना कहीं ये है कि सरकार, जिस प्रकार से सुधीर चौधरी जी ने कहा कि सरकार ही बीज बेचती है, किसान खरीदता है, जब आप जैसा बीज बेचते हैं तो किसान वही बोएगा, जब वो बोएगा तो उगेगा भी वही, फिर उसको सरकार क्यों नहीं खरीदना चाहती है? तो ये भी एक सवाल है। हमारे साथ में मुकेश चौधरी जी मौजूद हैं। मुकेश जी, कैसे देख रहे हैं कि आज किसानों की सबसे बड़ी समस्या है अकेली आज फसल खरीदने की नहीं, एक बारिश हो जाती है उसमें उनका नुकसान होता है, तमाम उनके सामने सामना करना पड़ता है, फिर उसके बाद सस्ता बिकता है और बिकता भी नहीं, फिर आज किसान लाइन लगा के खड़े हुए हैं सैकड़ों की, हजारों की तादाद में। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करूंगी कि आपने ये प्रोग्राम रखा, किसानों की आवाज़ उठाई, इसके लिए सभी किसान भाइयों को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों की आवाज़ ऊपर तक जाएगी। दूसरी बात, किसानों के लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि जो हमारी कहावत आई है कि बीज बोए बबूल के तो आम कहाँ से आए, जब सरकार ने जो बीज ही ऐसा दिया है तो उसमें वो दूसरा जो बढ़िया बाजरा कहाँ से लेगा? सरकार ही दे रही है ना वो बीज, तो सरकार किसानों को कैसे परेशान कर सकती है कि भाई ये बाजरा अच्छा नहीं है, ये काला है, ये सफ़ेद है, ये
गीला बाजरा है, इस तरह से करके किसानों को परेशान करने की साजिश है सरकार की। ये सरकार किसान विरोधी सरकार है, शिक्षा विरोधी सरकार है, स्वास्थ्य विरोधी सरकार है, महिला विरोधी सरकार है। इस सरकार के इतने काम हैं कि सारी जनता जानती है। यहाँ पे अगर हम किसानों की ही बात करें तो यहाँ पे सुबह 5 बजे से लाइन लगा के दिल्ली पंजाब में किसान खुश है। दिल्ली पंजाब में किसान खुश है, दिल्ली के अंदर इतनी किसानी है, पंजाब में आप जाके देख सकते हैं 24 घंटे बिजली फ्री कर दिए किसानों की। पंजाब में धरना चल रहा है इस समय किसानों का। ये थोड़े बहुत चीजें होती है, मैं ये कहती हूँ सरकार पे प्रेशर बना रहना चाहिए। अगर इस तरह की गलत बातें होती हैं तो सरकार को भी समझाना चाहिए। जैसे हरियाणा के अंदर देख लो, हरियाणा में भी 5 धरने चल रहे हैं पटौदी के अंदर। कोई हो रहा है समाधान उन लोगों का? रोडों पे 2-2 साल से बैठे हुए हैं, कोई समाधान नहीं है उनका। सरकार सुनने के लिए तैयार नहीं है। क्या जनता जनार्दन का हक नहीं बनता कि उनसे सवाल करे या उनके बीच में आके सरकार उनको जवाब दे? यहाँ कितने धरने चल रहे हैं, कौन जिम्मेदार है? यहाँ के सांसद, यहाँ के विधायक जिम्मेदार हैं। जो लोग सड़कों के ऊपर बैठे हैं, वाहियात की FIR दर्ज करवा दी जाती है इनके ऊपर। क्या ये हरियाणा के मुद्दे नहीं है? इन पे एक भी कोई भी बात नहीं करता है सरकार के अंदर, ना पार्लियामेंट में कोई बात होती है यहाँ के, ना किसान की बात होती है, ना जवान की बात होती है, ना महिलाओं की बात होती है, ना खिलाड़ियों की बात होती है। किस मुद्दे पे बात होती है यहाँ? यहाँ सिर्फ अपनी सियासत करते हैं लोग, आते हैं अपना सिक्का चमका के यहाँ से कमा के चले जाते हैं, क्योंकि ये बहुत ही शांतिप्रिय रहा है इलाका। यहाँ पे कोई नहीं चाहता कि आपस में लड़ाई हो या किसी पे मुद्दे उछाले जाए, शांतिप्रिय ढंग से रहना चाहते हैं। जैसे किसान भाई परेशान है, किसानों का बाजरा आराम से 2 बिठा रखे है कर्मचारी, यहाँ पे 5 बिठाई है ना, जिससे किसानों को दिक्कत ही नहीं होगी, फटाफट से सारी चीजें होंगी। 5-5 बजे के आए हुए बैठे हैं किसान, खाना पीना घर छोड़ के बैठे हैं, फिर उनको कह देते शाम को बंद हो गया, अब आपकी पर्ची नहीं कटेगी। तो ये गलत है, सरकार को इस चीज पे सोचना चाहिए कि किसान भाई यहाँ परेशान है, किसानों की व्यवस्था देखनी चाहिए और किसानों के हित में कोई निर्णय लेना चाहिए। कांग्रेस से वरिष्ठ नेता सुनीता जी कह रहे हैं कि किसान परेशान है, सरकार मस्त है और किसान त्रस्त है, कैसे देखते हैं इसे? सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगी जो आज पटौदी की आप लोगों ने सुध ली। देखिए सबसे पहले, वैसे तो मुद्दे कई हैं इस पटौदी में, आपने भी देखा होगा कि पूरे हरियाणा प्रदेश में, आप जैसा अभी कह रहे थे कि विधायक जी कहते हैं कि भी 4 गुड़गांव जिले में 4 विधानसभा आती है और सबसे अच्छी विधानसभा मेरी है, यानी पटौदी विधानसभा बताते हैं वो अपनी अच्छी, वो गलत है। क्योंकि आप लोगों ने भी देखा होगा कि पूरे प्रदेश में सबसे ज्यादा धरने प्रदर्शन अपने पटौदी विधानसभा में चले थे। चाहे आप मतलब ऐसा कहा जाए कि अगर धरने की बात है, सुधीर चौधरी जी, सभी लोगों को बोल रहा हूं मैं कि अगर धरने की बात की जाए तो सबसे ज्यादा धरना का केंद्र है तो वो पटौदी था जी। सबसे ज्यादा धरने प्रदर्शन यही हुए थे। जनता मतलब इस तरीके से, चाहे मानेसर नगर निगम का मामला हो, कासन जो है 1810 एकड़ की जमीन को लेकर मामला हो, चाहे यहाँ पटौदी जिला परिषद इसकी नगर परिषद का हो, HSD का हो, और नगर परिषद में कुछ गाँव को शामिल तो कर लिए गए लेकिन उन गाँव को सुख सुविधाएं नहीं दी गई। लोग बाग बहुत ज्यादा परेशान है। मतलब मैं तो इतना कहना चाहूंगी कि यहाँ पटौदी में महिला दुखी है, किसान दुखी है, युवा दुखी है, हर वर्ग दुखी है। मैं तो ये तक भी कहूंगी कि BJP ने कोई ऐसा वर्ग नहीं मतलब छोड़ा जिसने उसको परेशान नहीं किया हो। हर वर्ग दुखी है। बस इतना है कि जनता खुल के बोल नहीं पाती। वो बोल इसलिए नहीं पाती है क्योंकि अगर वो मुंह खोलता है तो सीधा आपको लोगों को पता है, सीधा देशद्रोही का मामला ठोकते हैं। आज जो आप लोग पटौदी में आए तो सबसे बड़ा मामला जो है किसानों का मामला है। आपके सामने भी सुबह से देख रहे हैं कि किस तरीके से किसान, आप लोग भी जानते हैं कि किसान किस तरीके से अपनी मेहनत मजदूरी कर करके बीज की बुआई करके और जब फसल आ जाती है तब यहाँ लेके आता है ट्रैक्टर में भर के मजदूर करके और ट्रॉली में डाल के पेट्रोल डाल के ट्रैक्टर में यहाँ लेके आता है और इनकी प्रक्रिया शर्तें इतनी लगा देते हैं कि बस वो इतना किसान जो है इतना बुरी हालत में हो जाता है, वो उसको ट्रैक्टर भी वापस ले जाना पड़ता है जी। तो मेरा तो ये सरकार से ये कहना है कि इनको उचित मूल्य दिया जाए और इनकी जो भी परेशानी है उनकी समस्याओं का समाधान करना चाहिए। क्योंकि सरकार जो होती है ना वो जनता के प्रति जवाबदेही होती है, ना कि जनता सरकार के प्रति, लेकिन ये सरकार भूल चुकी है जी। सुबे सिंह हमारे बीच में मौजूद हैं। सुबे सिंह, किसानों की समस्या सामने है, सभी लोग बड़े त्रस्त हैं और सरकार मस्त है अपने काम करने में। सरकार से जब किसान आंदोलन हुआ
उस समय हमारे 700 से अधिक लोगों की वहाँ पे शहीद हुए किसान, और सरकार ने फिर माफ़ी भी मांगी प्रधानमंत्री ने, जो अपनी हट पर अड़े हुए थे कि भाई ये किसान बिल जो पास हो गया है वो रहेगा, फिर वापस लेना पड़ा। कैसे दिख रहे हैं? नव समाचार का धन्यवाद करता हूँ मैं, आपने मौका दिया मुझे बोलने का पब्लिक के बीच में, जिस तरह से आपने किसानों का मुद्दा उठाया है, और यहाँ का ही नहीं, पटौदी का नहीं, पूरे हिंदुस्तान के किसानों की बात आप कर रहे हो, जिस तरह से पूरे देश ने ये देखा कि एक साल तक किसान किस तरह से कैसे कैसे बरसात में, सर्दी में, गर्मी में, हर मौसम में बाहर बैठे रहे, लेकिन सरकार ने कोई परवाह नहीं करी किसी तरह से, बल्कि इनके प्रदर्शन को, धरने को रोकने के लिए किस तरह सड़कों पर कील लगा दी गई, किस तरह सड़कों को रोक दिया गया, किस तरह से बाधक बने सरकार, और सरकार ने हर तरह से ये कोशिश की, किसानों को क्या क्या नहीं बोला, कहीं उग्रवादी बोला है, कहा मावली बोला इनको, और क्या कुछ करने के बाद भी लेकिन किसान अपनी जिद पाड़े रहे, और 700 से ज़्यादा किसानों ने अपनी जान दी। उसके बाद हमारी सरकार जागी और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने फिर बाद में कहा कि भाई मैं जिस विचार सोच के, मैंने जो विचार मेरा था आप लोगों को फ़ायदा देने का, आप लोगों को शायद समझ नहीं पाया या मैं समझा नहीं पाया, उसके लिए मैं अब इन तीनों कानूनों को वापस लेता हूँ। वो तीनों कानून वापस लिए गए, लेकिन किसानों से जो वादा किया गया था कि इनको MSP दी जाएगी, उसके लिए कमेटी बनाई जाएगी, वो कमेटी का आज तक पता ही नहीं है कि कमेटी बनी या नहीं बनी, और मूल MSP जो देने की बात कही थी उसका तो कोई जिक्र ही नहीं है कहीं भी, और उसकी वजह से आज पूरे देश में, चाहे किसी राज्य में आप देख लीजिए, हरियाणा देखो, महाराष्ट्र देखो, पंजाब देखो, कहीं भी आप देख सकते हो, पूरे देश में पंजाब का किसानों का धरना बादस्तूर जारी है। और आज खरीद के बारे में भी जैसे हम पटौदी में देख रहे हैं किस तरह से किसानों की हालत है, 24 घंटे हो गए इन लोगों को दिन रात लाइन में लगे खड़े खड़े, कैसे बुजुर्ग बड़े छोटे कैसे लाइन में लग के पर्ची कटवाने में समस्याएं आ रही हैं, और इनकी खरीद में समस्या खड़ी हो रही है, लेकिन सरकार बिल्कुल जागने को तैयार नहीं है। और जहां तक हमारे इसके विधानसभा की बात है, हमारा मौजूदा MLA उसको तो किसी तरह की परवाह ही नहीं है, आपने उनको बुलाया था लेकिन उन्होंने आने की जहमत ही नहीं उठाई, और जिस तरह से मानेसर में 6 महीने से ज़्यादा हो चुका है किसानों को अपना मुआवजा, बोल रहे हैं आएंगे, थोड़ा लेट आएंगे, अब वो आने की बात अगर किया उन्होंने, कब लेट आएंगे ये तो वही जाने, और कब बताएंगे, कैसे बताएंगे, कैसे किसानों की मदद कर पाएंगे। हमें नहीं लगता कि सरकार कुछ किसानों के बारे कर सकती है, और किसानों की जो उम्मीदें हैं बिल्कुल आज बिल्कुल धराशायी हो चुकी है। किसानों की समस्या को लेकर तमाम यहाँ पर बातें उठ रही हैं, परंतु यही देखा जाए सबका एक ही कहना है कि किसान आज वास्तव में त्रस्त है, किसानों की सुनने वाला कोई नहीं है, ऊपर से भगवान भी उनको मारता है, नीचे से सरकार उनको मारती है, तो ये आज एक गंभीर विषय है। हम इस अड्डा सियासत में और भी पटौदी की बात कर लेते हैं, कई मुद्दे हैं, कई और भी काम ऐसे हैं जो कि कहीं ना कहीं जहां पर आज कांग्रेस के नेतागण भी बैठे हुए हैं हमारे पैनल में, हमारे साथ में आम आदमी पार्टी के लोग भी हैं, इंडिया अलायंस बन चुका है, आज भी कोई डाउट है कि कहीं ना कहीं आज भी कांग्रेस पार्टी के अंदर आज भी आपस में खींचतानी है, या ये कहा है कि संगठन आज तक नहीं बन पाया। सुधीर चौधरी जी कैसे देख रहे हैं? देखो बात पता है क्या है, ये एक क्रिएशन या एक माहौल बनाने का काम करा जाता है, संगठन कैसे नहीं बना, हमारे यहाँ PCC मेंबर बन चुके, AICC मेंबर बन चुके, और ये कई बार आप माइंड ना करना न्यूज़पेपर में अलग अलग मानसिकता से लोग अपने अपने हिसाब से डालते रहते हैं। बात हम इनकी करें BJP की, क्या इनमें फूट नहीं है, क्या इनके वो बने आज मार्केट कमेटी का चेयरमैन नहीं है, कितने साल हो गए हैं, अगर मार्केट कमेटी का चेयरमैन होता तो ये जो किसान दर दर भटक रहा है आज मार्केट कमेटी के चेयरमैन के पास जाता और चेयरमैन का काम बनता, परचेजर को जल्दी बुलाता, तो ये तो कहने की बात है। हमारा संगठन है, PCC मेंबर है, AICC मेंबर है, और बहुत जल्दी ही हमारी लिस्ट भी आने वाली है, हमारी कोई एक प्राइवेट कंपनी तो है नहीं, हमारा पूरा प्रोसेस है कि भाई ऊपर से नीचे तक एक प्रक्रिया है। आज वो जो फाइल है, मम्मी जी बैठ जाओ आप, है ना, वैसे मैं तो आपको पता डिस्टर्ब होता है ना, बोलिए, जो PCC मेंबर की आप जो बात कर रहे हैं, हाँ PCC मेंबर है हमारा, AICC मेंबर है, और आपने नोट करा होगा कि एक प्रक्रिया है। आज ही जो हमारे यहाँ के प्रभारी हैं, जो महासचिव हैं, उन तक सारे के सारे नाम चलेंगे, बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगा, जिलाध्यक्ष भी होंगे,
और हमारे ब्लॉक अध्यक्ष भी होंगे जी। मेरा इसी जुड़ा हुआ एक महिलाओं को लेकर, हमारे बीच में महिलाएं भी हैं चौधरी साहब, आप देख रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ने एक इमरजेंसी सत्र बुलाया, कहा कि भाई आप लोग आइए, और उस सत्र में कहा गया कि महिला आरक्षण बिल पास किया गया, वो लोकसभा राज्यसभा में हो गया, कांग्रेस ने भी अपनी मोहर लगा दी, परंतु वो कब लागू होगा, इनको इसका लाभ महिलाओं को कब मिलेगा, आप अपने हिसाब से कैसे देखते हैं उसको? देखो वो तो आप जानते हो, कांग्रेस तो पहले भी चाहती थी बिल लाना, पर हमारी फुल मैंडेट में गवर्नमेंट थी नहीं, उस समय इन्होंने विरोध करा, इन्होंने करा क्या, हमारी चीज़ को नकल करी, इन्होंने बना तो दिया क्योंकि ये बुखलाए हुए, इनको पता है कि अब जो सरकार इनकी जाने वाली है, और जब सरकार इनकी जाने वाली है तो जुमलों की सरकार है, जैसे 15-15 लाख का जो दिया, तो इन्होंने देखा इस बार महिलाओं को कर लें, पर इस बार ये एक्सपोज हो गए हैं। पहले हम लोग अपनी सच्ची बात नहीं कह पाते थे, ये सोशल मीडिया को अपनी गलत बात, जो लोग सोशल, आजकल सोशल मीडिया एक ऐसा चल गया है, व्हाट्सएप ग्रुप और सोशल मीडिया, जो घर बैठ के चलाता है, 3-4 लोगों को बीच में फ़ोटो खिंचवा लेता है, उसको भी माना जाता है भाई बहुत बड़ा काम हो रहा है। तो पिछली बार तो चलो हम लोग नहीं कह पाते थे, आज क्योंकि सोशल मीडिया को एक्सपोज करना हम लोग जानते हैं, तो आपने देखा होगा जो इन्होंने बिल दिया, उस बिल में क्या लिखा है कि पहले हम पॉपुलेशन कराएंगे, जनगणना होगी, सेंसस होगा, उसके बाद डिलिमिटेशन होगी, आफ्टर डिलिमिटेशन, जब डिलिमिटेशन हो जाएगी उसके बाद हम ये बिल जो है वो लागू होगा। तो इसमें तो बड़ा लंबा प्रोसेस है, आप मानते हो कि जनगणना करना कोई 15-20 दिन का तो खेल है नहीं, ये सालों की प्रक्रिया है, तो ये 2024 में तो होना नहीं, पर आज ही बिल क्यों पास करा, सिर्फ मुद्दे को भटकाना। जो राहुल गांधी जी ये बार बार कह रहे थे कि हाँ अनुसूचित जाति की जनगणना कराओ, उसको भटकाने के लिए इन्होंने ये बिल लिया है, ये हर चीज़ को भटकाने के लिए अपना एक काम करते हैं, जो अमूमन जैसी इनकी आदत है, इस बार इन्होंने इसको भी करा, पर ये लागू तो होना नहीं था अभी, तो जब अभी लागू नहीं होना तो उसकी बात क्या करना। कैसे देखते हैं मुकेश चौधरी जी इसको, आरक्षण बिल को, ये भी एक कहीं ना कहीं, क्योंकि पहले आपसे पहले यहाँ पर सत्यप्रकाश रावता से पहले बिमला चौधरी जी यहाँ पर महिला थी, चुनाव लड़ा उन्होंने, अब आप कैसे देख रहे हैं कि वो भी उनके अब यहाँ इस बार पुरुष को सीट दी गई? देखो पहले तो सबसे पहले जो सुधीर भाई ने बताया कि महिलाओं के जो इन्होंने आरक्षण बिल किया है वो एक इनका शुरू से बनता है कि लोगों को बहकाना, डुगडुगी बजाना, ये डुगडुगी बजाने वाला काम किया है इन लोगों ने, इनको अभी लागू, ये लागू अभी हो ही नहीं सकता, जब जनगणना करेंगे, जनगणना के बाद में इसे लागू करना चाहिए, आज लागू करके क्या साबित करना चाहते हैं कि महिलाओं को अपने साइड कर ले, आज महिला पढ़ी लिखी है, समझदार है, महिला हर क्षेत्र में आगे हैं, पहले वाली महिलाएं नहीं है जो घर के अंदर चूल्हा चौका करती थी। तो महिलाओं को अगर आज लागू हो जाएगा, पर आज तो लागू हो नहीं रहा है वो, तो अब जाके 2029 तक पता चलेगा, परंतु मेरा कहना है अगर आज लागू हो जाएगा तो लाभ तो आप लोगों को है उससे, लागू करेंगे तो लाभ होगा ना, लागू कर नहीं रहे ना, हम तो कह रहे हैं करो अभी, करो 24 में लागू करो, इनकी सत्ता इनकी है, सरकार इनकी है, बहुमत इनका है, सब कुछ है, फिर क्यों नहीं करते लागू, 9 साल बीत गए, 9 साल में क्यों नहीं करवाई जनगणना, जो ये मुद्दे लेके आए कि ये होगा, फलाना होगा, ढैक होगा, 9 साल के अंदर तुमने क्यों नहीं करवाया, और करवाते 2024 में लागू करवाते, हम भी खुश थे, हम समर्थन करते इस बात का, महिला होने के नाते बिल्कुल पूर्ण जोर से समर्थन करते कि हमारे लिए बहुत अच्छा बिल आया है, लेकिन इन लोगों को बिल का, खाली बिल का नाम दिखाना है, लागू नहीं करना है, आने वाली सरकारें जो भी आएंगी वो लागू करती हैं नहीं करते वो भविष्य के गर्भ में है, उस बात को हम नहीं कह सकते। बाकी इन लोगों ने जो लॉलीपॉप देने का काम किया वही अब की बार भी किया, महिला जी लॉलीपॉप दिया आरक्षण महिला बिल पर। आप एक बात बताइए कि अब ये यूं कह रहे हैं, इस आरक्षण को लेकर सभी पार्टियों ने मतलब साथ दिया, लेकिन एक बात आप भी बताइए कि इस तरीके से इतना लंबा मतलब लागू करने की प्रक्रिया को इतना क्यों लंबा कर दिया, 10 साल तक का है, 15, कुछ नहीं पता कब तक लागू होता है ये, लेकिन एक बात है, GST लेके आए एकदम से लेके आए, नोटबंदी लेके आए एकदम से लेके आए, 3 काले कानून किसानों के लिए लेके आए एकदम से लेके आए, उसमें तो प्रोसेस नहीं था कि भी 10 साल बाद लागू होगा, 15 साल बाद लागू होगा, ये महिला आरक्षण बिल ही एकदम से लेके आए और फिर कह रहे हैं कि 10 साल 15 साल बाद लागू होगा, ये तो ये है कि हमारे सामने खाना रख दिया भरी थाली, लेकिन उसको खाओ मत, देख के खुश हो लो, ये चीज है इनकी, ये कोई इन्होंने महिला आरक्षण महिला हितैषी नहीं है, आप लोग भी जानते हैं कि जो हमारे लिए गोल्ड मेडल लेके आती है अंतर्राष्ट्रीय महिलाएं खिलाड़ी,
किस तरीके से उन्होंने धरना प्रदर्शन किया था और उनका जो आरोपी साबित भी हो चुका, दिल्ली पुलिस कह रही है कि भी मुख्य आरोपी ये है, क्यों नहीं खिलाफ करती उनकी कार्रवाई? महिला हितेशी इतनी होती तो अपने हरियाणा प्रदेश की बात करें, खेल मंत्री संदीप जी उनका भी पता है कि भी ये आरोपी साबित हो चुका, उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कर रही? अभी अपने जनसंवाद इनका बीजेपी का चल रहा था, कार्यक्रम चल रहा था, जो जनसंवाद कार्यक्रम में माननीय खट्टर साहब से एक महिला ने पूछा कि हमारे गांव में फैक्ट्री लगा दीजिए, तो उनका क्या जवाब था? एक सम्मानित पद पे हैं और इस तरीके का जवाब देना बहुत ही निंदनीय था। उन्होंने ये कहा था कि अगली बार जब चंद्रयान 4 जाएगा तब आपको भेज दिया जाएगा। कहाँ पे महिला हितेशी है, कहाँ महिला आरक्षण की बात कर रहे हैं? ये तो लाना तो कुछ और चाह रहे थे उस स्पेशल सेशन में, लेकिन उसमें उनकी दाल गली नहीं। तब जाके ये सोचा भी क्या कुछ ऐसा किया जाए जो महिला अपनी तरफ से खिंचाए, बाकी महिला आरक्षण ये नहीं लेके आए अभी तो बहुत समय। महिला आरक्षण बिल कैसे दिख रहे हैं आप? देखिए रमाकांत जी, जिस प्रकार से केंद्र सरकार ने ढिंडोरा पीटा, एक हाइप क्रिएट किया पूरे देश में, और ये नहीं बताया कि एजेंडा क्या है स्पेशल सेशन का, और उसमें खोदा पहाड़ निकली चुहियाँ। जिस प्रकार से महिला आरक्षण बिल लाए हैं, और जैसे सारे साथियों ने बताया कि ये कम से कम 2034 में लागू होगा, इतनी लंबी प्रोसेस है, जब लागू होना ही 10 साल बाद है, तो आज इतनी बड़ी प्रोसेस, इतना बड़ा हाई बनाने का कोई औचित्य नहीं था। और बेशर्मी देखिए प्रधानमंत्री जी, जिस प्रकार से अलग अलग जो अपने सम्मान समारोह करा रहे हैं, किस बात का सम्मान? जब आपने कुछ एग्जीक्यूट किया ही नहीं तो सम्मान का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। और निश्चित तौर पर जिस प्रकार से महिला आरक्षण बिल है, ये उसी प्रकार से जुमलेबाजी साबित होगी, जैसे प्रधानमंत्री जी ने 2013 में हमारे यहाँ रेवाड़ी में कहा था कि मैं पहली कलम से स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लागू करूंगा, C2+50 में न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करूंगा, 2 करोड़ रोजगार दूंगा, और किसान की आय दुगुनी करने की बात कही थी, हर व्यक्ति हर परिवार को मकान देने की बात कही थी, वो सारे जिस प्रकार से वायदे आज जुमले साबित हुए विगत के 10 सालों में, ये महिला आरक्षण बिल भी उसी का प्रतिफल प्रतीत होता है। और निश्चित तौर पे केंद्र सरकार की अनेक विफलताओं के साथ ये विफलता भी जुड़ चुकी है, और आने वाले समय में जिस प्रकार से आज सांप्रदायिक सद्भाव राष्ट्र का समाप्ति इन्होंने किया है, जिस प्रकार से सामाजिक भाईचारा इन्होंने तोड़ा है, अभी अतीत में जिस प्रकार से दंगे हुए, एक शांति प्रिय यात्रा की सुरक्षा सरकार नहीं कर पाई, वो सारे के सारे विषय निश्चित तौर पे आज हरियाणा प्रदेश ही नहीं समस्त राष्ट्र की जनता इस अवसर में बैठी है कि कैसे इनको सबक सिखाया जाए। और निश्चित तौर पे जिस प्रकार से इंडिया अलायंस का निर्माण हुआ है, निश्चित तौर पे ये डरे हुए हैं और बौखलाए हुए हैं। सुबे सिंह कैसे दिख रहे हैं बताइए प्लीज, महिला आरक्षण बिल पर? हेलो रमाकांत जी, जैसे अभी बात चली है महिला आरक्षण बिल के बारे में, महिला आरक्षण बिल को एकदम लाने का मतलब कोई सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टंट है, पॉलिटिकल ये पॉलिसी है इनकी कि हमें इलेक्शन जीतना है, औरतों की हमें वोट चाहिए, इसका मतलब है। इसका प्रोसेस ये है कि ये बिल जनगणना 10 साल बाद होती है, ये 2021 में जनगणना हो रही थी 11 के बाद, 21 में जनगणना अब तक नहीं हुई है, और इसकी जनगणना का नेक्स्ट जो वार है वो 31 में है, 31 में जनगणना होती है तो 34 में लागू होगी। और एक और बात है इसके साथ साथ, ये पॉलिसी मैटर है, ये कोई ऐसा नहीं है कि मैंने कह दिया और हो गया, पार्लियामेंट में पास होकर वो लागू हो जाएगा, ऐसे नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें कम से कम भी ना तो आधी स्टेटों का अप्रूवल बहुत ज़रूरी है, उसके बाद ये बिल लागू होगा, तो 34 से पहले तो हम सोच ही नहीं सकते कि आरक्षण जो है ना औरतों को मिल सकता है। तो इसका आरक्षण का जो लाने का मतलब था सिर्फ एक कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक चुनाव का स्टंट समझो एक तरह से, और बाकी कुछ भी नहीं है, तो ये औरतों को फायदा देने वाली बात नहीं है, ये आरक्षण बिल की मांग और नहीं है, ये तो बहुत पहले से उठी आ रही है, ये कोई नहीं निकाल सकते इसको, और ये इसका फायदा लेने की कोशिश जो इन्होंने की है, इसमें ये कामयाब भी नहीं होंगे, क्योंकि इनके कोई भी वादे, किसी तरह का वादा, कोई भी वादे से ना जनता संतुष्ट है और ना औरतें संतुष्ट है, और औरतों के बाद जैसा इनका व्यवहार रहा है वो पूरा देश जानता है, आप लोग भी जानते हैं, पत्रकार लोग भी जानते हैं, बाकी लोग भी जानते हैं, जैसे इन्होंने अब तक औरतों के साथ व्यवहार किया है, औरतों के साथ इनका अब तक का जो तरीका रहा है, ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि इनका आरक्षण देने का कोई पर्पज नहीं था, सिर्फ एक चुनावी एक जुमला था, जिस तरह से जुमला पहले एक देख करते रहे, इस तरह ये भी जुमला ही साबित होगा, इससे कोई फायदा होने वाला किसी बुजको नहीं है। तमाम यहाँ पर दर्शक भी हमारे साथ में, श्रोतागण भी बहुत सारे बैठे हुए हैं, मैं सभी के पास, अगर किसी के पास भी कोई सवाल हो आपके सामने, आपके क्षेत्र के प्रतिनिधित्व करने वाले लोग जो कि
पक्ष और विपक्ष में रहते हैं, अभी हमारे पास में तमाम लोग बैठे हैं, यदि आप लोगों का कोई भी सवाल है इनसे है, हमसे है, सरकार से है, आप पूछ सकते हैं। आप क्योंकि आप ही जनता हैं, आप ही जनादर हैं, तो आपका सबसे पहले हक है हर चीज़ का पूछने का। हम अगले सवाल पर चले जाते हैं। जी जी अमित, मैं कोई नहीं आपको बताए। हाँ बात ना हो रही है, मैं एक सरकार से सवाल करना चाह रहा हूँ। आज से 10 साल पहले जब सरकार आई तो हमारे हरियाणा प्रदेश पे कोई 50-1 हज़ार करोड़ का कर्जा था, अब 4 लाख करोड़ का रुपए का कर्जा है, तो ये 3.5 लाख करोड़ रुपए कहाँ लगा दिए गए आज तक पता नहीं चल रहा। ये पीछे भैया एक बार कैमरा घुमा के दिखा देना, हमारे जो देश जो है ये किसानों से चल रहा है, किसानों की दुर्दशा दिखा दो इस सरकार के अंदर। पैसा कहाँ गया है? जो स्कूल, जो फ्लाईओवर, जो अस्पताल पहले की गवर्नमेंट ने बनाए, उसके अलावा जो आप बता रहे थे अभी जरावता जी ने काम करवाए हैं, तो जरावता जी बताए तो सही वो काम है कहाँ? और दूसरी बात ये है, ये तो सारे विपक्ष वाले हैं, इनसे तो क्या सवाल करेंगे? आपके माध्यम से हम सरकार से सवाल करेंगे, क्योंकि सरकार की जवाबदेहता है हमारे प्रति, ना कि विपक्ष की। धन्यवाद। अमित ने बड़ी क्षेत्रीय बात बड़ी अच्छी उठाई किसानों को लेकर, पहले भी हमने इस विषय पर चर्चा की थी, परंतु उन्होंने एक बात बहुत अच्छी जोड़ दी कि कहीं ना कहीं आज हरियाणा पर जिस प्रकार से कर्ज बढ़ रहा है उसका समाधान कैसे होगा, क्योंकि सरकार के लोगों को तो बुलाना आजकल जनता के बीच में अपने आप में वो लोग ये समझ लीजिए कि उनको पता है कि वो नहीं पहुँच सकते। परंतु अगर देखा जाए सतप्रकाश जरावता का जो कहना है कि हमने इस क्षेत्र में जो कार्य के लिए किसी भी गांव का व्यक्ति उनके पास में गया है तो उन्होंने कार्य करवाए हैं, ऐसे उन्होंने मुझे कई इंटरव्यू में बोला है। तो यही बात सुधीर चौधरी जी, आज जो कर्जे की बात है कैसे देख रहे हैं इसको, कि आज कर्जा दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है हरियाणा पर, और जो अगर हम भारत की भी बात करें तो पहले के कर्जे से 3 गुना ज़्यादा कर्जा हो गया है देश पर। देश पर 3 गुना जी। पर जैसे अभी भाई ने कहा हाँ कि भाई अप्रोक्सीमेट 54 लाख करोड़ के करीब कर्जा था जब कांग्रेस सरकार गई, और आज 4 लाख करोड़ के करीब पहुंच गया। तो मैं आपके माध्यम से विधायक साहब से पूछना चाहता हूं कि जो साढ़े तीन लाख करोड़ के करीब हमारा जो पटौदी का हिस्सा था इस कर्जे में, वो कहाँ लगा? अब वो आपने 2-3 बार पहले भी कहा कि भाई उन्होंने बहुत काम करे, तो हाँ बात तो ठीक है आपकी, काम हुए हैं। जब आप यहाँ से जब गुड़गांव की तरफ जाएंगे तो जगह जगह ऐसे शामियाने लगे मिलेंगे, तो आप उनसे पूछोगे भाई ये क्या टेंट लग रहा है, तो वो बताएंगे जरावता जी की वजह से और भाजपा सरकार की वजह से हम धरना दे रहे हैं। तो टेंटों का काम खूब चला हमारे यहाँ इस बार। एक तो काम ये हुआ, जैसे पहले मेरे से पहले भी हमारे साथियों ने बताया कि भाई यहाँ पर धरना खूब रहा। आप पटौदी से रेवाड़ी रोड पर जाओगे, पहाड़ी गांव में फ्लाईओवर बना, 1 साल भी नहीं चला इस भाजपा सरकार के राज में फ्लाईओवर गिर गया, आज तक उसकी कोई इंक्वायरी नहीं हो पाई। काम ये हुआ कि नगर पालिका हेली मंडी, जटोली मंडी जो हमारी नगर पालिका, और पटौदी मंडी को तोड़कर नगर परिषद बना दी और कुछ गांव उसमें मर्ज कर लिए, ऐसी मानेसर में करा। उसकी मानसिकता सिर्फ दोनों जगह एक ही थी कि जमीन आ जाएगी, जो पंचायत में पैसा है वो आ जाएगा, जिससे हरियाणा सरकार को बहुत बड़ी ऑक्सीजन मिली और हरियाणा सरकार ने हमारे पटौदी के साथ छल कपट करा, जो साउथ हरियाणा और पटौदी ने 2 बार बीजेपी को विधायक दिया, और सबसे ज़्यादा लूटने का जो काम करा साउथ हरियाणा में करा, और उसमें पटौदी को करा कि निगम और नगर परिषद है, ये अपने आप में बहुत बड़ी साजिश है। पैसा लिया, जमीन ली, उसके बावजूद उल्टा क्या हो रहा है? आप गांव-गांव में जाएंगे, जगह जगह गंदगी फैली हुई है, फिरनी के रास्ते टूटे हुए हैं, ये विकास हुआ है? ना तो रास्ते बने और ना ही गंदगी है, और लोग जाए तो जाए कहाँ? ना तो वहाँ पर सरपंच है और ना आज तक कोई इन्होंने पार्षद बनाया, तो ये बड़े दुर्भाग्य की बात है, ये कहने में अच्छा लगता है। और दूसरी बात यह है कि एक चलन और हो गया है हमारे यहाँ कि जो भी पहले मकान बना रहा है उसको पहले मकान बनाने देंगे, फिर DTP से साठ गांठ करेंगे, फिर DTP मकान तोड़ेगा, फिर वो पैसे देकर आएगा, फिर वो दोबारा मकान बनेगा,
आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि जो कॉलोनियाँ बनी हुई हैं, पथरेड़ी है, बिलासपुर है, घोड़ा कला है, वहाँ पर मकान तोड़े जा रहे हैं कि आपने मकान बना लिए। और भारतीय जनता पार्टी का जो दफ्तर है वो भाजपा का जो दफ्तर है वो भी कच्ची कॉलोनी में है। बाबा ये जो हरि मंदिर है आश्रम, उसके सामने आप चले जाएं, वहाँ विधायक का ऑफिस है, वहाँ एक ही विधानसभा में और पैमाना कोई नहीं है। वहाँ DTP नहीं तोड़ रहा है BJP के ऑफिस को। और जो गरीब अपनी पूरी उम्र में कष्ट कमाई करके, जो सेविंग करके अपना एक सपना लेकर अपना घर बनाता है, उनके मकान तोड़े जा रहे हैं, ये काम हो रहे हैं पटौदी। अतिक्रमण को हटाया जा रहा है, भाजपा का कहना है अतिक्रमण को हटाया जा रहा है। हाँ तो अतिक्रमण हटा लो ना पहले भाजपा का ऑफिस। और ये तो समय आएगा तो आपको पता है गुरुकुल में भी घंटियां बजेंगी। जो गुरु कमल जो इन्होंने बना रखा है ना, उसमें भी गड़बड़ है ऐसी हम बता रहे हैं। पटौदी में बना रखा है, ये भी कच्ची कॉलोनी है, ये भी तो अतिक्रमण है। और जहाँ आदमी पहले मकान बना रहा है आप पहले बनने देते हो और बाद में DTP को भेज के आप साठ गांठ कर लेते हो। और यहाँ तहसील में भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। एक बात आपको ये भी बता दें, आप तहसील में आप चले जाइए, चरम सीमा पे इस समय भ्रष्टाचार है। तहसील में भ्रष्टाचार है, किस प्रकार का भ्रष्टाचार है? देखिए रमाकांत जी, हाँ, जो आज जो भ्रष्टाचार है, जो अपना प्रचार, मैं एडवोकेट अशोक टांक पार्टी से वर्कर हूँ कांग्रेस पार्टी का। देखिए जो भी भ्रष्टाचार तहसील के अंदर नहीं है भ्रष्टाचार, आप किसी भी डिपार्टमेंट में चले जाओ, आप थाने में चले जाओ, आप तहसील में चले जाओ, कोर्ट में चले जाओ, सरकार में भ्रष्टाचार की जो जड़ है ना और ज़्यादा मजबूत हो गई। और भ्रष्टाचार इतनी तेज़ी से बढ़ा है, इतनी तेज़ी से बढ़ा है कि ये कई गुना बढ़ चुका है। आजकल थानों में क्या खेल चल रहा है, आप कोई FIR दर्ज कराने जाओगे, आपको FIR दर्ज कर लेंगे, इमिडिएटली करेंगे, उसकी वजह में आपसे कम पैसा लेंगे। लेकिन जब FIR दर्ज होने के बाद जिसके खिलाफ FIR दर्ज हो गई है उससे कई गुना ज़्यादा पैसे लेके उसके सेक्शन हटाने का काम करेंगे। तो जो भ्रष्टाचार की जड़ है बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है इस सरकार में। खुद ये खुद इनके मंत्री सब भ्रष्टाचार में फंसे हुए हैं। आज 3.5 लाख करोड़ का जो कर्जा है वो कर्जा आपको कहीं लगा हुआ थोड़ा दिखता है, इनके घरों में वो कर्जा लगा हुआ है, इनकी कोठियाँ इनके महल बने हुए हैं। तो भ्रष्टाचार में ये सरकार नंबर वन है। अब टाइम ये है कि हमारे जो जनता है जिसको मोदी सरकार ने, भाजपा सरकार ने बारी बारी सबको ठगा है जी, बस किसी को नहीं बख्शा इन्होंने, चाहे किसान हो, चाहे हमारे युवा साथी हो, सरकारी कर्मचारी, किसी को नहीं बख्शा। सुनीता जी कैसे देख रहे हैं भ्रष्टाचार को लेकर? आज पर बात उठ रही है तहसील में भी भ्रष्टाचार, सुधीर चौधरी जी ने एक नया आरोप लगाया है कि सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार हो रहा है तो तहसील में दबा के भ्रष्टाचार हो रहा है। देखिए रमाकांत जी, एक बात कहना चाहूँगी कि पटौदी जो हमारा पटौदी है, इन 8-9 सालों में तो भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है, हर चीज़ में भ्रष्टाचारी है। अभी जब हमारा हेली मंडी और पटौदी नगर परिषद बना है तब ये प्रॉपर्टी ID वाला मामला चला, तो इसमें क्या हुआ कि इन्होंने, सरकार ने जो ठेका है प्राइवेट कंपनी को दे दिया। प्राइवेट कंपनी वालों ने जब प्रॉपर्टी ID बनाई तो लोग हैं जो चक्कर काटते रहे ऑफिसों के, तो वो चक्कर काटते रहे अपने फ़ोन नंबर वगैरह, जो भी छोटी मोटी त्रुटि चक्कर काटते रहते हैं। और जब जाके उनकी त्रुटि ठीक होती है, जब उनकी जेब में कुछ पहुंच जाता है, तो भ्रष्टाचार सामने ही है। और आज ही एक मामला काफ़ी समय से चल रहा है, एक मामला और सामने है। यहाँ रेलवे स्टेशन से लेकर रामपुरा तक की जमीन है, आप समझिएगा, रेलवे स्टेशन से लेकर रामपुरा तक की जमीन है जो कि 30-40 साल से यहाँ लोग बाग रह रहे हैं, उनकी जमीन है। लेकिन यहाँ की स्टेट गवर्नमेंट ये कह रही है कि उन्होंने अपने कब्जे में ले लिए, यानी वो भी भ्रष्टाचार के भेंट चढ़िया। दूसरी बात, फ्लाईओवर है, पहाड़ी वाला फ्लाईओवर, उसको बनने में तो देरी लगी, बनने में तो 1-1.5 साल खींच गया, लेकिन टूटने में देरी नहीं लगी उसको। और यहाँ तक उसमें एक बंदे की तो मौत भी हो चुकी, वो भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। मतलब यहाँ हर चीज़ भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा हुआ है। दूसरी चीज, यहाँ हर वर्ग भी दुखी है, चाहे महिलाएं हो चाहे युवा हो। भ्रष्टाचार कांग्रेस में भी बहुत हुआ है, कांग्रेस में BJP बोलती है भ्रष्टाचार में खूब भ्रष्टाचार किया आपने। ठीक है रमाकांत जी, अगर भ्रष्टाचार हुआ था, मानते आपकी बात बड़ी करते थे, भ्रष्टाचार हुआ था तो इनकी मेरी नहीं, सरकार के लोग कहते हैं, तो इनकी सरकार है ना, तो जाल डालिए ना जेल में, उनके ऊपर आरोप लगाइए, FIR दर्ज करवाइए, डालिए जेल में। क्यों? उनके सब कुछ कानून उनका, प्रशासन उनका,
सब कुछ उनका ईडी उनकी है। ये तो वही बात हुई कि मैदान भी अपना, फेरी भी अपनी और निर्णायक मंडल भी अपना। मुकेश जी कैसे देख रहे हैं, कल संजय सिंह को अरेस्ट कर लिया, कह रहे हैं कि अरेस्ट नहीं कर रहे हैं शराब घोटाले में, आप आम आदमी पार्टी से हैं। संजय सिंह जी को अरेस्ट कर लिया गया, इनको जो भी ईमानदारी से काम करता है वो इनको भाता नहीं है। सबसे पहले सत्येंद्र जैन जी थे जिन्होंने मोहल्ला क्लिनिक किया, वर्ल्ड में पूरे वर्ल्ड में उनका नाम चला, कितने बढ़िया मोहल्ला क्लिनिक बने हैं, लोगों को सुविधाएं मिली, लोगों को परेशानी से छुटकारा मिला, दूर जाने की बजाय नज़दीक मिला, वो चीज़ें इनको हजम नहीं हुई। सत्येंद्र जैन जी को भी जेल में डाला, उसके बाद में मनीष सिसोदिया जी को ले लो जिन्होंने स्कूल बनाया, आज अमेरिका की राष्ट्रपति की वाइफ आती है वो पूछती है कि मुझे दिल्ली के स्कूल दिखाइए, एक बाहर से आके हमारे दिल्ली के स्कूल देखते हैं, स्कूल इतने टॉप बना दिए हैं कि आजकल वहाँ के प्राइवेट स्कूल हैं वो सारे बंद हो चुके हैं, वो उनको हजम नहीं हुआ, उनको भी जेल में डाल दिया। अब आ गए हमारे संजय सिंह जी पे, संजय सिंह जी अडानी जी के और मोदी जी के पीछे लगे हुए थे, जो भी इन्होंने घोटाले किए हैं, जितने भी भ्रष्टाचार किया है, जो भी अपना भाईचारा निभाया, अपने दोस्ती निभाई है, उसके पीछे लगे हुए थे, उनके सारे चिट्ठे काले निकाल निकाल के ला रहे थे, तो इनको वो भी कैसे हजम हो पाते। एक जो भी सच्चाई बोलने वाला होता है उस व्यक्ति को सबसे पहले ईडी का सीआईडी का डर दिखा के उसे जेल में डाला जाता है। और मैं आपके माध्यम से ये भी कहने चाहूँगी, ये पब्लिक जो 140 करोड़ जनता है, ये भी उनको मुंह के बल दिखाएगी, क्या 140 करोड़ जनता को भी वो जेल में डालेंगे, क्योंकि सच्चाई सबके सामने आने वाली है। जैसे देश आज़ाद हुआ था हमारा 1947 में, उस टाइम पे लोगों के अंदर एक जोश बना हुआ था कि एक बार हमारा देश आज़ाद हो जाए, इसी तरह से उस पब्लिक के अंदर भी वो जोश बनाए एक बार 2024 का इलेक्शन आ जाए। और रही बात ये कि इनके यहाँ पे हमारे संजय सिंह जी को जो डाला है वो सच्चाई के ऊपर डाला है, सच्चाई की कभी हार नहीं होती है, जीत होती है, कहते हैं ना परमात्मा की लाठी में आवाज़ नहीं होती है, तो इनके ऊपर भी वो गाज गिरने वाली है। पर ये सोचिए कि जब सच्चे इंसानों को ये जेल में डालो, उनके खिलाफ कुछ प्रूफ तो नहीं मिलता है, प्रूफ तो दें कि इस बेस पे डाला है, एक हरासमेंट है, हरासमेंट करना चाहिए, क्योंकि ये आम आदमी पार्टी से सरकार डरी हुई है कि इनके इनके खिलाफ में जो भी कुछ करेगी आम आदमी पार्टी करेगी, इसलिए ये हमारे जो भी नेता बोलते हैं उनको जेल में डालने का काम कर रहे हैं। सुखबीर जी, बाढ़बंदी की चर्चा काफ़ी लंबे वक्त से चल रही है, पटौदी क्षेत्र की भी, नगर परिषद की, कैसे देख रहे हैं इसमें कि इस बार बाढ़बंदी होगी या फिर गुरुग्राम और फरीदाबाद की तरह यहाँ का भी चुनाव इसी प्रकार से लटका दिया जाएगा? देखिए, इससे पहले कि मैं वार्डबंदी की चर्चा करूं, जिस प्रकार से करीब करीब 9 वर्ष की सरकार प्रदेश में रही और 9 वर्ष में से 4 वर्ष से ज़्यादा हरियाणा में पंचायती राज नहीं रहा और ये सारे के सारे किसान और ग्रामीण बंधु बैठे हैं, जब पंचायती राज व्यवस्था नहीं रही तो विकास की बात करना और सोचना बेमानी है। और जिस प्रकार से यहाँ गठन हुआ नगर परिषद पटौदी का, ये तो इसके परिसीमन के बाद वार्ड बने नहीं बने, इनकी क्या ये विफलता नहीं कि इतने लंबे समय से चुनाव नहीं करवा पाए? और अभी चर्चा चल रही थी मानेसर, मानेसर के लोग जो मानेसर नगर निगम बनाया उसके खिलाफ हैं, पटौदी के लोग जो परिषद बनाया इसके खिलाफ हैं, और आज जैसे के साथियों ने चर्चा करी कि 5 जगह धरने चल रहे हैं, आज जिस प्रकार से 1328 का जो धरना चल रहा है, जो उनका ब्याज 10 साल का नहीं दे रहे हैं, और जो 1810 एकड़ जो ज़मीन है, इससे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण नहीं हो सकता कि मात्र 55 लाख पे 1810 एकड़ का अधिग्रहण करना चाहते हैं। वो 1.5 साल से ज़्यादा किसान धरने पे बैठे हुए हैं, हर तरह से जो सरकार है वो पूर्णतः फेल हो चुकी है, और भ्रष्टाचार की तो बात ही क्या करनी, सिर्फ पटौदी का विषय नहीं है, प्रदेश स्तर पर भ्रष्टाचार व्याप्त है। और जो प्रॉपर्टी आईडी की बात अभी साथी कर रहे थे, जिस प्रकार से एक प्राइवेट कंपनी को ठेका देके जानबूझ के उसमें गड़बड़ियां करवाई गई, और जिस प्रकार से प्रॉपर्टी आईडी के नाम पे, ठीक करवाने के नाम पे पूरे प्रदेश की जनता को लूटा जा रहा है, वो मेरे कहने की बात नहीं है। आप कहीं भी किसी भी कॉलोनी में चले जाएं, सारी जगह सभी पीड़ित और प्रभावित हैं, और इनका तो शिक्षा चिकित्सा पे कोई ख्याल नहीं है। और अभी आप बात कर रहे थे संजय सिंह की, संजय सिंह की गलती ये है, जब मणिपुर में बहन बेटियों के साथ अत्याचार अनाचार हुआ, उसकी आवाज़ उठाने के एवज में सबसे पहले तो उनको निलंबित किया राज्यसभा से, और उसके बाद अब जिस प्रकार से झूठे मुकदमे में गिरफ्तार किया है, निश्चित तौर पे इंडिया अलायंस के जो जितने भी नेताओं की गिरफ्तारी हो रही है, ये मोदी नहीं भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार के कफन में अंतिम कील साबित होंगी। अच्छा, सुबे सिंह आपसे भी सवाल है पटौदी से जुड़ा हुआ, कि
जो रोड बनाने की कहा गया था, जो गुड़गांव से आ रहा है उसको 2 साल का एक समय सीमा दी गई, आज वो टूटा पूरा खंडर पड़ा हुआ है। कैसे देख रहे हैं कि आज जनता क्या चाहती है और सरकार से आप क्या चाहते हैं? सरकार से तो जनता पूरी तरह से परेशान है, सरकार नहीं चाह रही कोई काम भी पूरा करना। आप लोगों को पहले मैं पटौदी के बारे में बताना चाहता हूँ। यहाँ फायर स्टेशन बनाने के लिए करीब 10 करोड़ रुपए लगाए सरकार ने और अभी तक अधूरा पड़ा है, 5 साल हो चुके हैं उसको चलते हुए को। और दूसरा, हॉस्पिटल में एक एक्सरे मशीन है जो 10 साल से पड़ी है, उसका ऑपरेटर नहीं आया आज तक भी। पूरे डॉक्टर तो कहाँ मिलेंगे और दवाइयाँ कहाँ मिलेंगे? महाराष्ट्र का केस देख रहे हैं कितने लोग मरे हैं। तो भ्रष्टाचार की बात किसी भी लेवल पर सोचोगे आप तो आपको हर जगह कुछ ना कुछ बातें मिलेंगी। और जहाँ तक सड़क की बातचीत है, सड़क की बात, इनका तो काम यही है कि प्लानिंग में डाल दो और वो काम चलता रहेगा, कब पूरा होगा कब नहीं पूरा होगा उसकी कोई गारंटी या कोई समय सीमा नहीं होती। तो इसके बारे में कहाँ तक क्या कहा जाए ये सब लोग, पब्लिक भी जान रही है और बाकी लोग भी जान रहे हैं। अपोजिट वाले कितना शोर मचाते रहे, इनको किसी बात की कोई परवाह नहीं होती। अपोजिट होती है सरकार को जागरूक करने के लिए, सरकार के कान में डालने के लिए, यही प्रेस का काम होता है सरकार को बताने के लिए, पर सरकार किसी की परवाह नहीं कर रही है। उनको जो ठीक नहीं लगता उसको पकड़ के इधर उधर कर देते हैं और बाकी काम करने की तो बात आप देख ही रहे हैं, जो भी हो रही है, कितने काम अधूरे हैं, कितने काम पूरे हुए हैं, कितने इन्होंने बोले थे उनमें से कितने पूरे कर पाए हैं। तो सरकार की पोजीशन जो है जी, आप जान ही रहे हैं। थैंक यू जी। आप पटौदी से हैं? नहीं है। कहाँ से हैं आप? मैं रेवाड़ी से। सरकार अच्छा काम कर रही है? नहीं, गलत काम कर रही है। क्या सरकार का काम है? सरकार देखो ना, किसान कैसे लाइनों में खड़े हैं, कोई वो नहीं। बाजरा लेके आया हूँ यहाँ। आप बाजरा लेके आए हैं? हाँ जी। आपका बाजरा नहीं बिक रहा है ना, किसी की मत नहीं। कैसे दे रहे हैं आप? मैं सर 29 तारीख से आज तक मैं बैरिंग लौट रहा हूँ लेके, कल मेरा बाजरा अगर गेट पास कटा, आज तक इंस्पेक्टर बोली के लिए नहीं पहुँचा है। अच्छा, 72 घंटे की पेमेंट की जगह 72 घंटे से बोली पे इंस्पेक्टर नहीं पहुँच रहा, कल से आज तक। और 29 से रात तारीख 5 होगी, बैरिंग लौट रहा था, किराया का ट्रैक्टर लेकर आ रहा हूँ, बार बार उनसे रिक्वेस्ट भी की लेकिन उन्होंने गेट बंद कर रखा था। नहीं, आज इतनी लंबी लाइन क्यों हो रही है, क्या इसका कारण? इसका कारण ये बीच में 6-7 दिन की छुट्टी बंद कर रखी थी इन्होंने, बोली नहीं लगा रहे थे, नहीं कोई अंदर गाड़ी जा रही थी, इन्होंने अपनी मन मर्जी चला रखी है सब। तो आज कुछ हुआ? आज आज भी कुछ नहीं है, इंस्पेक्टर ने 9 बजे से कमेटी, मार्केट कमेटी में बैठा हुआ है, अभी तक बोली पर नहीं आया है। तो अपनी मर्जी से आते हैं जी, नहीं कोई आरती कह रहा। 7 दिन पहले यहाँ पर DC गुरुग्राम में निरीक्षण किया था कि यहाँ पर बोली समय पर लगाई जाए, किसानों के लिए जो किसान परेशान हो रहे हैं उनको भी उनकी बात को सुना जाए, कैसे दिख रहे हैं? तो सर उस दिन से आज तक कोई भी इसका समाधान नहीं हुआ, ना कोई हमारी मान रहा, नहीं आरती भी नहीं बोल रहा। आरती सोचते हैं कि अगर ये नहीं खरीदे तो हम प्राइवेट में इसको 1700-1800 खरीद लें, लेकिन हमारा मतलब 2500 1700-1800 रुपये में प्राइवेट बोली ले लें, लेकिन ये हमारी खरीद नहीं, इनकी है तो मिली भगत। तो अभी सरकार कितने में खरीद रही है? 2500 रुपया समर्थन मूल्य रखा हुआ है। अच्छा, तो अब 29 तारीख से आज 5 तारीख होगी, मैंने 8 दिन हो लिए परेशान होते हुए। घर पे और भी काम होंगे जमींदार के, भाई अपनी दूसरी फसल की तैयारी करनी या वो करना, तो 8 दिन से जो आदमी बाजरा के पीछे बैठा है तो घर पे पीछे काम और कौन क्या करेगा। क्या नाम है आपका? तेजवीर सिंह चौहान, खेड़ी सुल्तान। तेजवीर सिंह चौहान, गांव खेड़ी। तेजवीर सिंह चौहान का कहना है कि अभी तक यहाँ पर किसान 4-5 दिन की छुट्टी लगातार रही, जिस कारण भी, साथ में इनका कहना है कि जिस रेट में बाजरा को लेना चाहिए था सरकार नहीं ले रही है, या उनका ये कहना है कि प्रशासन, या मेरा भी कहना है कि दुर्भाग्यपूर्ण है कि 7 दिन पहले गुरुग्राम उपायुक्त तो यहाँ आते हैं और निरीक्षण करते हैं, किसानों के हित की बात करते हैं, परंतु आज किसानों की वही स्थिति है। मैं कैमरामैन से दरख्वास्त करूँगा कि एक बार किसानों की स्थितियों को दिखाएं कि किस प्रकार से भीड़ लगी हुई है और यहाँ पर बार बार नारेबाजी किसानों की तरफ से की जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका जो समय है वह भी खराब हो रहा है। और जिस प्रकार से सुधीर चौधरी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, ने कहा था कि सरकार जिस प्रकार का बीज देती है किसान वही बोएंगे, वही काटेंगे, वही वापस आपको देंगे, परंतु वह चीज़ भी सरकार उस चीज़ को डिनाई करती है, कहती है कि इसका कलर अलग है, रंग इसका अलग है, कभी हरा कहती है, कभी इसका काला कहती है, इसीलिए उसके रेट भी उसके आधार पर बदल दिए जाते हैं, ऐसी बात है? हाँ जी, ऐसा ही है जी। अच्छा, अब जो बाजरा काला है उसका रेट क्या रहता है सर? उसका रेट तो ये गवर्नमेंट तो खरीदती नहीं है,
प्राइवेट वाले उसको 1700-1600 लास्ट 1750 इस रेट में लेते हैं। अगर आप जाके उस डेयरी को देखो, अगर उस डेयरी को अगर ये पूरी पब्लिक उसको कैंसिल कर दे तो हम जो सौ जूत रुकावानी जो ऐसे भी हिंदी देसी भाषा में बोलते हैं देखने की चीज़ है जी। देखो आप डेयरी को जाकर मौका देखो, जो कैंसिल कर रखी है ना जो डेयरी बिल्कुल साफ सुथरी सफ़ेद डेयरी है और उनको कैंसिल करके जा रहे हैं। और राठी साहब है इंस्पेक्टर, उनसे मैंने रिक्वेस्ट की सर इस बाजरे में कमी बताओ, सूंघ के इसमें बदबू आ रही, में सेंट की खुशबू कहाँ से आती है बताओ बाजरे के अंदर, ये बताओ जी। इंस्पेक्टर का नाम बताया, ये राठी राठी है कोई इंस्पेक्टर श्रीमान राठी यहाँ पर हैं। इन्होंने रिक्वेस्ट भी की कि साहब मेरी जो दाढ़ी है उसको आप देख सकते हैं, जो गल्ला है उसको देख सकते हैं, उस गल्ले में उन्होंने चेक किया, कहते हैं कि इसमें बदबू आती है। किसान का कहना है कि इसमें परफ्यूम की खुशबू तो नहीं आएगी, उसका कोई फ्रेगनेंस तो अलग अलग होते नहीं है, परंतु ये इंस्पेक्टर की घोर लापरवाही है, क्योंकि अगर ये किसान अगर उसका बाजरा नहीं खरीदा जाएगा तो किसान जाएगा कहाँ। तो तमाम ऐसे सवाल सरकार पर प्रश्न लगाते हैं। आज हम फिर अपनी पैनल में पहुंचते हैं, हमारे बीच में और साथी हैं, कई मुद्दे पटौती सियासत के हैं, हम एक बार फिर बात कर लेते हैं। चुनाव नज़दीक है, चुनाव की घोषणाएं बार बार जनता के मन में लगता है कि अब होने वाली है। निगम चुनाव गुरुग्राम फरीदाबाद की स्थिति आप सबसे छिपी नहीं है, तो इसी प्रकार से अब विधानसभा और लोकसभा चुनाव के जो जिक्र है उसका हो रहा है कि कभी साथ में होगा कभी अलग अलग होगा, कैसे देखते हैं डाक साहब आप बताइए, कैसे देखते हैं आप विधानसभा जी? देखिए सबसे पहले तो ये जो सरकार है ना इलेक्शन से डरी हुई है, इसका क्यों डरी हुई है? हार का डर है, क्योंकि जनता मन बना के बैठी हुई है, वेट कर रही है 2024 का इंतजार कर रही है, क्योंकि अभी गुरुग्राम का और फरीदाबाद का जो इलेक्शन हो रहा था निगम का वो उसको मेरे ख्याल से एक साल से ज़्यादा हो गया और अभी भी नहीं है कि इलेक्शन कराए, क्योंकि डर है, मन में डर है, ये पूरी तरह समझ चुकी है सरकार, ये समझ चुकी है कि हमने पूरे देश को ठगा है, हमने किसानों को ठगा, हमने युवाओं को ठगा, हमने पुलिस महकमे को घोड़ा ठगा, हमने मतलब कोई किसी को छोड़ा ही नहीं इसने, तो पूरी तरह डर बैठा हुआ है। अब तो ये डर रही है कि भाई इलेक्शन जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है इनके नए नए बहाने चल रहे हैं। एक सेकंड शो करना, रियासत की चुनाव की, चुनाव नज़दीक आपके सामने, लोकसभा और विधानसभा चुनाव है, हम लोकसभा की अगर बात करते हैं तो आज कैसे दिख रहे हैं कि हिंदुस्तान के अंदर आज इंडिया अलायंस हुआ है जिसमें 28 पार्टियों ने एकजुट हुए हैं, कुछ पार्टियां हैं वो एनडीए के साथ भी जा रही हैं, तो इस बार क्या लगता है आपको कि इंडिया जीतेगा या फिर एनडीए जीतेगा? देखो आपको भी पता है और जो लोग इंटेलेक्चुअल हैं जो समझते हैं, आज तक ये फुल मैंडेट में यह सरकार इसलिए इन्होंने दो बार सरकार इसलिए बनाई कि इन्होंने हमारे को डिवीज़न का काम करा, क्योंकि इनकी एक्सपर्टी है, जैसे डॉक्टर एक एमडी होता है आँखों का अलग नाक का अलग, ऐसे ये आपको पता है कि डिवीज़न के बहुत बड़े एक्सपर्ट हैं, चाहे पूरे देश में कह लो या कहीं कह लो, तो ये हमेशा ये वोट को डिवाइड करके अपना एक रास्ता निकालते थे। आज पर जिनसे रास्ता निकलवाते थे जिन पार्टियों से, उनको भी इन्होंने परेशान करा, तो जब उनको परेशान करा तो अब कहीं ना कहीं सारे लोग एक अलायंस बनाकर और इंडिया के प्लेटफॉर्म पे आए हुए हैं। तो आज की डेट में भाजपा, हालांकि भाजपा में अब बहुत लोग नहीं रहे, सिर्फ दो ही लोग हैं, वो दोनों लोग भी अब पूरी तरह घबरा चुके हैं, क्योंकि उनको आंकड़े समझ में आते हैं और सारी बात समझ में आती है, तो अब वो क्योंकि घबराए हुए हैं तो अभी वो परेशान है फिलहाल। और अभी आपने कहा कि चुनाव कब हो सकता है, तो भैया आज की डेट में इनकी सरकार है, जब इनको अच्छा लगेगा जब करेंगे, पहले करें बाद में करें, पर जो टाइम है वो तो आप और हम जानते ही हैं कि 5 साल हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो पार्लियामेंट है उसका अप्रैल के करीब होगा, वो सितंबर में होगा, और जब इनको कोई लग गया कोई मुद्दा, क्योंकि आजकल आपने एक बार नोट करी होगी भगवान भी इनके साथ नहीं दे रहे, क्योंकि भगवान को भी इन्होंने यूज़ कर करके, वो भी भगवान को भी लगता है भाई बहुत बड़ा धोखा दे दिया, तो आजकल जो चीज़ ये डाल रहे हैं पासा वो उल्टा पड़ रहा है। आज चाहे इन्होंने ये बात करी महिला की तो उसमें ये निकल कर आ गया कि ओबीसी के लिए इन्होंने रिजर्वेशन नहीं छोड़ी, तो अभी ये बौखलाए हुए हैं, क्योंकि जब भगवान की लाठी लगती है, मेरे से पहले हमारी बहन ने कहा जो कि जब भगवान की लाठी बढ़ती है तो
फिर अच्छे अच्छों को अकल आ जाती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद इस बार भगवान ने भी ये मान लिया है कि ये धोखा दे रहे हैं, और धोखे में जो भी चीज़ ये डाल रहे हैं वो उल्टी बढ़ रही है। तो ज़्यादा से ज़्यादा जब समय आएगा आपको और हम सब, अरे चौधरी जी इसे कैसे दिख रहे हैं, कल संजय सिंह की गिरफ्तारी होती है, दो दिन पहले पत्रकारों की उनके घर से उनके मोबाइल लैपटॉप ले लिए जाते हैं और फिर उनको अरेस्ट किया जाता है, उनकी जांच पड़ताल की जाती है, फिर उनको छोड़ा जाता है, सुप्रीम कोर्ट का कल एक ऑर्डर भी उस पर आया। अब आप कैसे देख रहे हैं कि संजय सिंह की गिरफ्तारी होती है, वह भी इंडिया अलायंस के जो कमेटी थी उसके एक सदस्य थे। देखो विनाश काल विपरीत बुद्धि, जब आदमी बौखला जाता है ना तो आनन फानन में कुछ करता है, और जब आदमी कमज़ोर होता है ना तो वो देखा होगा अमूमन गाली देगा, हाथ उठाता है। तो आज की इनकी नौबत ये आ गई है अभिषार शर्मा जैसे, उर्मिल पटेल जैसे लोगों को जो बिल्कुल बेबाकी से अपनी बात रखते हैं, उनको इन्होंने अरेस्ट करा सुबह 6:30 बजे जाकर। और उसके बाद जो ये पार्लियामेंट है हमारे, है ना, इतनी बड़ी सांसद, हमारी सबसे बड़ी जो पंचायत है लोकसभा और राज्यसभा, उसमें इनको और उनके साथ साथ आपने देखा होगा जो TMC की महिला जो मित्रा थी उनके साथ भी बस सुलूकी करी। तो आज की डेट में बुखलाए हुए इनको लगता है हमारे सामने कोई बोले ना, जो लोग बोलते हैं, जो लोग क्वेश्चन करते हैं, संजय जी ने भी क्वेश्चन करे, और जब क्वेश्चन करे तो ये चाहते हैं कि हमारे सामने कोई बोले ना, ना हमें कोई एक्सपोज करे। और अब क्योंकि समय आ गया है, कब तक आप किसको रोकोगे, आप जितना भी दबाओगे, ये रूल है, जितना आप दबाओगे उतना ही उसका डबल इफेक्ट से ऊपर इफेक्ट आता है। तो मुझे ये मानना है कि अब इनकी क्योंकि जाते जाते, पर जब इनसे भाजपा के लोगों से बात की जाती है तो वो आपातकाल की बात करते हैं और समय की याद दिलाते हैं कि इंदिरा गांधी जी जब प्रधानमंत्री थी तो उन्होंने भी यही किया, पत्रकारों को बंद किया, नेताओं को बंद किया उन्होंने, और द्वारा से सरकार में आई वो। देखो समय और परिस्थिति की बात होती है, उस समय जब आपातकालीन जब लगाई उन्होंने वो समय अलग था, आज का समय अलग है। जहाँ एक तरह आप डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, अवेयरनेस की बात करते हैं, ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं, और आप कहते हो हम राम राज ला रहे हैं, और ये तो इमरजेंसी से भी बुरा हाल है। यहाँ पर हर एक आदमी की जो बेसिक नीड है वो पूरी नहीं हो पा रही, एक तरफ तो डिक्टेटरशिप है, दूसरी तरफ आम आदमी को मारा जा रहा है, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, तो इकोनॉमिक जो हमारी इकोनॉमी जो आर्थिक है वहाँ भी इमरजेंसी इन्होंने लगा दी है। तो ये तो इनकी हालत ये हो गई है कि जैसे एक बार हम आ गए हैं और अब हम किसी को नहीं बख्शेंगे। अमूमन आपने देखा होगा हर जगह इनका यही काम है। कैसे देख रहे हैं मुकेश चौधरी जी कि आज जिस प्रकार से बात है अलायंस की, और ख़ासकर कभी भी अरविंद केजरीवाल तो राहुल गांधी के खिलाफ हमेशा बोलते रहे हैं, और आप उस पार्टी से हैं, कल संजय सिंह की गिरफ्तारी भी हुई, तो आप संजय सिंह की गिरफ्तारी पर बोल चुके हैं, मुझे बताइए कि आपकी आगे बन पाएगी इंडिया अलायंस में, क्योंकि आप सीटों की मांग करेंगे ज़्यादा आम आदमी पार्टी। देखो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जो आला कमान ऊपर के अधिकारी हैं उनका हम एक छोटे से प्यादे हैं, पटौदी के क्षेत्र से हैं, और हम उनका समर्थन करेंगे। और जो सारी पार्टियां हमारी मिलके गठबंधन इंडिया के नाम से बना है उसमें सारे इंसान को एक ही चीज़ का वो है, उनका एक ही एजेंडा है कि भारत को ऐसे शासन से मुक्त करा जाए जहाँ पे तानाशाही है। उस तानाशाही को मुक्त कराने के लिए सबका एकजुट होना ज़रूरी था, और इसलिए एकजुट हुए हैं। और रही सीटों की बात, जिसका जहाँ प्रभाव होगा वहाँ पर सीटें उसको मिलेंगी उसी हिसाब से, उसमें कोई कतई भी हमारे साथ नाइंसाफ़ी नहीं बरती जाएगी और ना हम नाइंसाफ़ी बर्दाश्त करेंगे। और जो संजय सिंह की बात कही है कि सच्चाई इन लोगों को भाती नहीं है, ये लोग हर जगह, अभी आपने देखा था गुड़गांव के अंदर आशा वर्कर्स बैठे हुए थे, जेल भरो आंदोलन चला, लाठी चार्ज हुआ, महिलाओं पर लाठी चार्ज करे। जब भी कोई आदमी अपनी बात उठाता है मुद्दे की, ये सरकार बीजेपी सरकार इतनी तानाशाही सरकार हो चुकी है कि सबसे पहले पुलिस को आगे कर देती है, डंडों से पिटवाती है। किसानों के अंदर के उन्हीं के बेटे थे, जब किसान आंदोलन हुआ उस टाइम पे किसानों के ही जवान थे जो उनके सामने खड़े हुए थे, पुलिस ने उनको, सरकार ने उनके सामने खड़ा किया। लोगों को बड़ी दिक्कतें हुई कि हमारे दादा चाचा हैं और हमें प्रशासन इस तरह से दुरुपयोग कर रहा है। तो ये बीजेपी सरकार है, ये हर चीज़ का दुरुपयोग करती है, चाहे वो ED हो, CID हो, पुलिस प्रशासन हो, चाहे भ्रष्टाचार हो, हर चीज़ में। अभी तक संजय सिंह जी ने सिर्फ ईमानदारी की बात की थी, महिलाओं पे बात की थी कि भाई इन उन दोषियों को पकड़ा क्यों नहीं जाता। यहाँ पे अभी पटौदी की बात करें तो पहाड़ी के पास जो फ्लाईओवर गिरा उसके आरोपियों को आज तक पकड़ा गया है, आज तक कोई FIR हुई है उन पर,
कोई कार्रवाई हुई है? क्यों नहीं करते ये? अपने लोगों को बचाते हैं। और जैसा कि एक ऐड चला हुआ है आजकल कि बीजेपी का वॉशिंग पाउडर, कि कितने भी भ्रष्ट नेता हो बीजेपी में मिल जाए उनके सारे भ्रष्ट धुल जाते हैं और वो बिल्कुल क्लीन चिट हो जाता है। तो ये सरकार ऐसी है, जो लोग इनका कहना नहीं मानते, जो एक सच्चाई के रास्ते पर चलते, जो देशभक्ति के रास्ते पर चलते, वो उनका कहना नहीं मानते, उनको उठा के ये लोग जेल में डालने का काम करते हैं। तो ऐसी सरकार से अब धीरे धीरे पब्लिक के समझ में आ रहा है। ये जुमलेबाज सरकार थी, जैसे मदारी दिखाने आता तो सभी ताली बजाते हैं, पर बच्चों को ये नहीं पता होता कि ये बंदर को पढ़ा रखा है। इस तरह से सरकार है बीजेपी सरकार की, पढ़ाई हुई सरकार, पब्लिक को एक तमाशगीर बना के यूज़ किया है। आने वाले 24 के इलेक्शन में ये जो इन्होंने पब्लिक को तमाशगीर बनाया ना, यही इनका सबक सिखाएगी और यही जन आधार रहेगा कि आम आदमी पार्टी। पांच राज्यों के चुनाव सामने हैं, कैसे दिख रहे हैं कि पाँच राज्यों के चुनाव से लोकसभा पर कोई फर्क पड़ेगा? देखिए रमाकांत जी, आज जो जनता है ना, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि हमारे मुख्य मुद्दे क्या थे, रोटी कपड़ा मकान शिक्षा स्वास्थ्य सड़क, मुख्य मुद्दे ये थे। लेकिन बीजेपी सरकार जो है इन मुद्दों को भुला चुकी है, उनके पास ये मुद्दे नहीं है, ना शिक्षा है, ना स्वास्थ्य है, ना रोटी है, ना कपड़ा है, ना मकान है। अगर इनके पास अगर ये मुद्दे होते, प्राथमिकता होती, तो आज हमारे किसान भाई यहाँ नहीं होते। लेकिन उनके पास मुद्दे अलग है, हिंदू मुस्लिम राम मंदिर। राम मंदिर एक बात बताइए, अपनी आस्था का केंद्र है, अपनी विश्वास भरोसे का केंद्र है। हम सब राम राम बोलते हैं, सुबह शाम उठते बैठते राम राम सभी से। लेकिन उन्होंने एक राजनीतिक एक अलग ही बोले, जय सिया राम बोलो। हम राम राम बोलते हैं, जय सिया राम वाला कौन सा मुद्दा कर रहे हैं ये? राम राम हमारे आस्था का विश्वास का केंद्र है, ये नया मुद्दा क्यों बना रहे? लेकिन अब पब्लिक जो जनता जान चुकी है कि हमारे मुख्य मुद्दे रोटी कपड़ा मकान शिक्षा स्वास्थ्य हैं, ये मुद्दे नहीं है। तो ये जो अब चुनाव है पांच राज्यों में जो चुनाव है, भरोसा और विश्वास कीजिए कि कांग्रेस पार्टी जीतेगी और बीजेपी ऊंधे मुंह गिरेगी। और 2024 के जो चुनाव है उसमें भी हमारा अलायंस जीतेगा, इंडिया जीतेगा, इंडिया जीतेगा। हाँ जी जी, सुखबीर जी कैसे दिख रहे हैं कि आज पटौती की जो मूलभूत सुख सुविधाएं हैं, जिस प्रकार से सुनीता जी ने कहा कि व्यक्ति की एक बिजली है, पानी है, स्वास्थ्य है और कपड़ा मकान रोटी है, तो क्या इसमें आज पटौती क्षेत्र में जनता को नहीं मिल पा रहा है? इससे पहले कि रमाकांत जी मैं पटौती पे आऊं, मैं थोड़ा सा अतीत में ले जाऊं आपको। पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी ने ऑपरेशन लोटस चलाया। ऑपरेशन लोटस के तहत मैं आपको याद दिलाऊँ, विगत में जो कर्नाटक की सरकार थी, कांग्रेस और जनता दल के सहयोग से जो सरकार थी वहाँ पे कर्नाटक में, वो गिराई। उसके बाद जिस प्रकार से विधानसभा से विधायकों का इस्तीफा करवा के मध्य प्रदेश में सरकार गिराई, राजस्थान में भी प्रयास किया, हमारे पास के ही एक होटल में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सेप है, राजस्थान के अनेक विधायकों को यहाँ रखा गया और देश में और भी जगह चलाया गया और दिल्ली में भी चलाने का प्रयास किया। उस ऑपरेशन लोटस का ही प्रतिफल है जो आज सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया और अभी कल जिस प्रकार से गिरफ्तारी हुई है संजय सिंह की, ये ऑपरेशन लोटस के प्रभाव में नहीं आने वाले सच्चे ईमानदार और कट्टर देशभक्त लोग हैं, ये मैं आपको बता दूं। और रही बात पटौदी की, पटौदी में किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं है। आप देख लें, यहाँ परिवहन की गाँव में कोई सुविधा नहीं है, सड़कों के बुरे हाल हैं, जानलेवा सड़कें हो चुकी हैं। इसके अलावा जो भ्रष्टाचार की सारे साथियों ने बात करी है, जिस प्रकार से तहसील में और थानों में भ्रष्टाचार व्याप्त है, हर वर्ग दुखी और सरकार के संरक्षण में हो रहा भ्रष्टाचार। और अभी बात आई थी अवैध कॉलोनीज की, मैं आपके माध्यम से हरियाणा सरकार से पूछना चाहता हूं, आखिर रजिस्ट्री कौन करता है? जब NOC के बिना यहाँ रजिस्ट्री हो जाती है और सबसे ज़्यादा एक तहसीलदार यहाँ से सस्पेंड हो जाता है गलत रजिस्ट्री करने में, और उसके बाद वो बहाल हो के उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण और कई तहसीलों का प्रभार लेके यहाँ लग जाता है, तो क्या भ्रष्टाचार का प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है? निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी गठबंधन सरकार ने पटौदी और गुड़गावा को सोमनाथ का मंदिर समझ लिया है और निरंतर 10 वर्षों से यहाँ जो लूट है और सारी की सारी जनता यहाँ त्रस्त है, और आने वाले वक्त में चाहे विधानसभा का चुनाव हो, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, चाहे मानेसर नगर निगम का चुनाव हो, चाहे नगर निगम गुड़गावा का चुनाव हो, चाहे विधान यहाँ
नगर परिषद पटौदी का चुनाव सभी में ये बौखलाए हुए हैं, नहीं तो समय पे चुनाव ना कराना इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि चुनाव से बौखलाए हुए हैं। विधानसभा लोकसभा कराना तो इनकी मजबूरी है, अब ये क्या खेल करेंगे। और आज इस देश का दुर्भाग्य देखिए, एक वक्त का सुप्रीम कोर्ट से घोषित तड़ीपारा जिस देश का गृह मंत्री है, इससे बुरा दुर्भाग्य इस देश का, इस राष्ट्र का नहीं हो सकता। हमारे साथ पैनल में आज तमाम क्षेत्रीय नेता जो कि यहाँ के वरिष्ठ नेता कांग्रेस के, आम आदमी पार्टी के और आम जनता भी जो क्षेत्र की है वो बैठी है। सबका एक ही कहना है कि आज जो स्थिति वर्तमान में बनी हुई है पटौदी क्षेत्र की समस्याओं को लेकर, तो समस्या एक नहीं है, अंबार है। किसान त्रस्त है, सरकार मस्त है, ये नारा किसानों का रहा जब किसान आंदोलन हुआ, वह आज भी स्थिति है। लोगों ने आज भी बताई कि उनकी फसल कैसे नहीं खरीदी जा रही है। जिस प्रकार से सतप्रकाश रावता का कहना है कि जिला गुरुग्राम के अंदर चार विधानसभा, उसमें सबसे अव्वल काम हो रहे हैं तो पटौदी विधानसभा में हो रहे हैं। सुधीर चौधरी ने खंडन करते हुए और सुखबीर तंवर, सुनीता जी और मुकेश पवन चौधरी और सुब्बे सिंह और यहाँ पर हमारे बीच में बैठे हुए टांग जी, इन्होंने जिस प्रकार से कहा कि आज पटौदी विधानसभा में कोई कार्य नहीं हो रहा है, सिर्फ यह एक जुमलेबाजी सरकार जो कि दिन प्रतिदिन आरोप प्रत्यारोप लगाती है विपक्षों पर और जनता की बातों को सुनने से नकार देती है। तमाम आज बात उठ रही हैं, चुनाव लोकसभा विधानसभा के सामने हैं, देखना होगा कि जीत अलंक में किसकी होगी। इंडिया अलायंस हो चुका है 28 पार्टियों का, परंतु गिरफ्तारी भी जारी है। ईडी अपना काम कर रही है, सरकार के अंतर्गत काम कर रही ईडी, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी उस पर अपनी कहा है कि भाई आज दुरुपयोग जिस प्रकार से सरकारी महकमों का हो रहा है वो नहीं होना चाहिए। आज चुनावी एक और सुधीर चौधरी जी, मैं एक प्रश्न कर लेता हूँ चुनाव आयोग को लेकर, चुनाव आयोग की आज जिस प्रकार से आज जो स्थिति है उसे कैसे देख रहे हैं आप? जी बताइए, आप बताइए, सुबे सिंह बताइए आप बताइए, चुनाव आयोग की स्थिति बताइए क्या है, जल्दी बताना। अभी जैसे रामाकांत जी ने बोला है कि चुनाव की परिस्थिति, चुनाव आयोग की परिस्थिति क्या है, जब चुनाव आयोग में 3 आदमियों का सिलेक्शन किया था, अब उसमें प्राइम मिनिस्टर रहेगा, अपोजिट का लीडर रहेगा और एक जज रहेगा, चीफ जस्टिस रहेंगे। इन्होंने क्या किया, उसको पार्लियामेंट में बिल निकाल के पास करा के और चीफ जस्टिस को निकाल दिया उससे, तो उसका मतलब क्या हो सकता है, उन्होंने क्या ऐड कर दिया उसमें, चीफ जस्टिस की जगह हमारे सरकार का कोई भी मंत्री होगा, वो उनकी मर्जी है किसको रखे। जब मेजोरिटी इनकी हो जाएगी तो कैसे फेयर इलेक्शन हो जाएगा, क्या ये डाउट नहीं पैदा करता है जी? कौन कह देगा इसको कि ये फेयर इलेक्शन हो सकता है? और ये बातें पहले साफ भी हो चुकी हैं। और एक आपको और बता दूं, नई बात शायद आपको पता होगा इस बारे में, कितनी AVM मशीनें खराब पाई गई हैं जिनको छुपा दिया गया है। और अगले इलेक्शन में जहाँ तक उम्मीद है, सुप्रीम कोर्ट का डाउट जो हमें सामने आ भी रहा है इलेक्शन के साथ, हो सकता है कि EVM से ना हो, बैलेट पेपर से हो, ये भी पोजीशन बनी हुई है। ये सब इसी वजह से हो रही है कि कितनी पारदर्शिता हमारे लोकतंत्र में आज हो रही है, जिसको हर बात पर ये कहते हैं कि हम लोकतंत्र को चला रहे हैं, ये लोकतंत्र नहीं चल रहा, ये लठतंत्र कह सकते हैं, तो इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती जी। सुखबीर जी, चुनाव आयोग पर थोड़े ही शब्दों में। देखिए, सुबे सिंह की बात का समर्थन करते हुए मैं तो यही कहूंगा, जिस प्रकार से ना कि सिर्फ चुनाव आयोग बल्कि जितनी भी संवैधानिक संस्थाओं की गरिमा में जो अपूर्णीय क्षति विगत के करीब 10 वर्षों में पहुंची है, निश्चित तौर पर लोकतंत्र के लिए घातक है। और आज सबसे बड़ी जिम्मेदारी माननीय सुप्रीम कोर्ट पर है कि सभी इन बेकायदगियों का संज्ञान ले और दूध का दूध और पानी का पानी करे, राष्ट्र उनकी तरफ देख रहे हैं जी। सुनीता जी, चुनाव आयोग की स्थिति परिस्थितियों को कैसे देखते हैं? आज मैं भी सुबे सिंह जी भाई सुखबीर जी का समर्थन करते हुए बात का, देखिए निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए, ये जो EVM वाला घोटाला है इस तरीके से नहीं होना चाहिए। अगर निष्पक्षता से चुनाव होता है ना, तो वाकई में BJP हारी हुई पड़ी आज के टाइम में जी। चौधरी जी, मैं भी इन सभी का समर्थन करूंगी इस बात में कि चुनाव आयोग ये इन्होंने अपने कंट्रोल में रखा, अपने हिसाब से चलाते हैं, इनका कोई वो नहीं है, ये जानते हैं कि हमारी हार है, इसलिए चुनाव भी नहीं करवाना चाहते जी। सुधीर चौधरी जी, आज देख रहे हैं कि जिस प्रकार से देखा जाए चुनाव आयोग की जो स्थिति है, कि चुनाव आयोग जो हम भी देख रहे हैं, मैंने कुछ दिन पहले एक आर्टिकल लिखा था, उसमें मैंने साफ स्पष्टीकरण किया कि चुनाव आयोग सिर्फ और सिर्फ आज चुनाव घोषणा करने के लिए, चुनाव कौन जीता वो बताने के लिए और चुनाव की तारीख तय करने के लिए होता है।
इसके अलावा कोई कार्य है दूसरा चुनाव आयोग का? देखो जैसे कि आज टीएन सेशन जैसे अधिकारी की आवश्यकता है। आपने बिल्कुल ठीक कहा, बहुत अच्छा नाम लिया। जब टीएन सेशन जी थे तो जो हमारा इलेक्शन कमीशन था उसका एक बहुत बड़ा नाम हुआ और ट्रांसपेरेंसी पारदर्शिता उन्होंने करी। उसके बाद लिंगदो जी थे, ठीक है जी, उसके बाद एक मिस्टर के जी राव भी रहे, कुरैशी जी रहे, अमूमन इनके सामने ट्रांसपेरेंसी काफ़ी थी। अभी पीछे हाल फिलहाल में आपने देखा होगा जब 24 घंटे में सरकार ने फाइल चलाकर और चीफ इलेक्शन कमीशन का जब गठन करा तो सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पे कहा कि ये गलत हो रहा है और इसमें उन्होंने एक कमेटी बनाई जो मेरे से पहले पूर्व प्रवक्ता ने बताया कि भाई इसमें तीन लोग रहेंगे, सुप्रीम कोर्ट का जज रहेगा और हमारा अपोजिशन का लीडर रहेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का और प्राइम मिनिस्टर रहेंगे। तो चोर की दाढ़ी में तिनका, ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि उन्होंने उसको हटाकर, और जहां आज चंद्रचूड़ जी का बहुत बड़ा एक फैसले, जितने भी फैसले आ रहे हैं ट्रांसपेरेंस माने जा रहे हैं, अगर आप बिल्कुल निष्पक्ष थे और आपको लगता था कि हमारी नीयत साफ है तो जरूरत नहीं थी ना उससे जब छेड़खानी करी। और इन्होंने जब ये प्रपोजल बना के पास करा वो करना चाहा, प्रपोजल बना दी इन्होंने कैबिनेट मिनिस्टर की, तो वो अपने आप में बड़ी गलत है। और मुझे ऐसा लगता है, मुझे सुप्रीम कोर्ट में ज़्यादा भरोसा है, चंद्रचूड़ जी पे ज़्यादा भरोसा है कि शायद हाल फिलहाल में कोई ऐसा फैसला आए कि इलेक्शन कमीशन की जो आज की डेट में है ना कि सिर्फ प्रोसेस को अडॉप्ट करना है और प्रोसेस को भी ट्रांसपेरेंसी नहीं करना है, सिर्फ जो ऊपर से आदेश आ गया। अमूमन आपने देखा होगा पीछे ऐसा भी हुआ कि कहीं इलेक्शन कमीशन ने डेट अनाउंस करनी थी और इनके जो मालवीय था, जो इनका सोशल मीडिया का है अमित मालवीय ने पहले डिक्लेयर कर दिया था 72 घंटे पहले और वही डेट हुई, वही डेट फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने करी। तो इससे बड़ा हमें प्रूफ क्या चाहिए? आज इलेक्शन कमीशन को या तो बैलेट पेपर पे हो या सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन आए उस पर होना चाहिए, अदरवाइज तो आज शक के दायरे में तो पूरा है। आप कैसे देख रहे हैं अधिवक्ता जी, कैसे देख रहे हैं आप? देखिए शॉर्ट में इतना ही कहूँगा कि मोदी जी के बंदर की तरह चुनाव आयोग काम कर रहा है। जिस तरह वो डुगडुगी बजा के फेर देंगे चुनाव आयोग, तो वही वो घोषणा करेंगे कौन जीत गया, चुनाव आयोग को बोलेंगे अभी इनको जिताना है, उनको जिता देंगे। तो कुल मिला के जो ट्रांसपेरेंसी है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, लोकतंत्र को एक नाम चारे का लोकतंत्र रह गया है। बाकी तो सारा काम मोदी जी और अमित शाह जी के कहने पर चल रहा है, संविधान के अकॉर्डिंग कोई काम नहीं हो रहा है। तो कुल मिला के जो भी चुनाव आयोग है, आज चुनाव आयोग नाम की कोई चीज ही नहीं है। ठीक, हमारे साथ सभी पैनल में जुड़ने के लिए सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इस चुनाव आयोग के प्रश्न के से ही समाप्त करता हूं, क्योंकि कहीं ना कहीं आज ये प्रश्न उठता है कि आज सरकार के अधीन चुनाव आयोग काम कर रहा है। तमाम लोग इस प्रकार के, कई विशेषज्ञ लोग जो कि राजनीति में निपुण हैं, रखते हैं नॉलेज, और कई पत्रकारों ने इसका खंडन किया है और इसके साथ साथ उच्चतम न्यायालय ने भी इस पर मोहर लगाई है। साथ में यह भी है कि हम भी देख रहे हैं कि आज जिस प्रकार से चुनाव आयोग का जो कार्य सिर्फ इतना रह गया है कि कब चुनाव होगा उसका तारीख बताना, चुनाव जीत के कोई आता है तो वो बताना, हो सकता है उसमें भी हेराफेरी हो जाए। लोगों के आरोप जिस प्रकार के रहते हैं कि ईवीएम गड़बड़ कर देना, ईवीएम मशीनों में कमी देखना, तमाम ऐसी सारी चीज़ें सामने आती हैं, परंतु ये देखना होगा कि 2024 का बड़ा अहम चुनाव है। जनता भी समझ चुकी है, जनता शिक्षित हो चुकी है, डिजिटल की दुनिया है, सबके पास में अपने फ़ोन हैं, परंतु कहीं इस बार तो 2024 का चुनाव होगा, क्या वास्तव में मुद्दों पर चुनाव होगा? इसी सियासत के साथ हम फिर कड़ी में एक बार आपको फिर मिलेंगे। जब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।